मध्य प्रदेश की नीमच कृषि उपज मंडी से अपनी उपज बेचकर घर लौट रहे किसान से षड्यंत्र पूर्वक 3,29,000 रुपए की लूट के मामले में छोटी सादड़ी पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन आरोपी से ना तो बाइक जब्त हुई है, ना ही लूटे गए 3,29,000 रुपए बरामद कर पाए। मामले में आरोपी की गिरफ्तारी में कांस्टेबल चंद्रपाल सिंह राणावत की विशेष भूमिका रही। सीआई रोहित कुमार ने बताया कि 18 अगस्त को प्रार्थी ईश्वर पुत्र मोहनलाल धाकड़ चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ी सादड़ी के वली का खेड़ा निवासी ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें बताया गया कि 17 अगस्त को अपनी 210 बोरी गेहूं की उपज लेकर वह नीमच कृषि उपज मंडी में बेचने पहुंचा था, जहां से वह अपनी उपज बेचकर उसके बदले में मिले 3,29,000 रुपए लेकर अपनी बाइक की डिक्की में रख वापस अपने गांव लौट रहा था। इसी बीच नारायणी चौकी के पास दूसरी बाइक पर सवार होकर आए दो बदमाशों ने पहले ईश्वर को धक्का मार बाइक सहित नीचे गिरा दिया। इससे पूर्व वह कुछ समझ पाता, दोनों बदमाशों में से एक बदमाश ने उसकी गाड़ी छीन ली और वह उसे लेकर और रुपए लेकर फरार हो गए थे। एसपी आदर्श सिद्धू के निर्देशन में पुलिस टीम का गठन कर अज्ञात आरोपियों की नारायणी चौकी, केसुंदा धामनिया, बघाना, नीमच कृषि उपज मंडी नीमच, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पर तलाश की गई। साथ ही छोटी सादड़ी से नीमच प्रतिदिन इस रूट पर आने जाने वालों पर कड़ी निगरानी रखी गई। इसमें कृषि मंडी नीमच व केसुंदा से नीमच तक रोड के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को चेक किया गया। मुखबिरों की सहायता से प्रकरण में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्धों पर नजर रखी गई और साइबर सेल से प्रतापगढ़ का प्रकरण सहयोग लेकर और साइबर सेल प्रतापगढ़ का प्रकरण में सहयोग लेकर वैज्ञानिक अनुसंधान लिया गया। प्रकरण की घटना से पहले व उसके बाद नीमच से नारायणी चौकी के मध्य आने वाले पर निगरानी के दौरान इमरान उर्फ इल्लू पुत्र इरशाद उम्र 24 वर्षीय निवासी बघाना जिला नीमच संदिग्ध होने से 2 सितंबर को पूछताछ की गई। पूछताछ सीसीटीवी फुटेज अनुसंधान में एकत्रित हुए साक्ष्यों के आधार पर आरोपी इमरान उर्फ इल्लू को गिरफ्तार किया गया। आरोपी इमरान उर्फ इल्लू ने पूछताछ के दौरान अपने साथियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। 21 को ईश्वरलाल धगड़ निवासी बड़ी सालड़ी जिला चित्तौड़गढ़ नीमच मंडी से अपनी फसल बेचकर आ रहा था और फसल बेचने से उसको तकरीबन 3,30,000 रुपए मिले थे। छोटी सालड़ी थाने में नारायणी गांव के पास में कुछ लुटेरों ने उसको घेर कर गिरा दिया और उसके रुपए लूट लिए और मोटरसाइकिल लूट ली। मोटरसाइकिल बाद में मिल गई लेकिन लूटने वालों को पता नहीं चला। मेरा ट्रांसफ़र होने के बाद श्रीमान एसी साहब, एडिशनल एसी साहब, डिप्टी साहब ने विशेष दिशा निर्देश दिए जिनकी पालना की गई और उन दिशा निर्देशों के अनुसार मुखबिर मामूर किए गए। इसी क्रम में हमारे थाने के कांस्टेबल है चंद्रपाल सिंह, उनको इस काम के लिए विशेष रूप से लगाया गया। उनकी सूचना के आधार पर हमने सोर्स डेवलप किया और एक मुलजिम हमने कल एक मुलजिम इमरान शेख निवासी बघाना को गिरफ्तार किया है। उसमें उसके अन्य साथी शामिल हैं और इनके इनसे जो लूटे गए रुपये हैं उनकी बरामदगी प्रयास और जो वारदात में जो व्हीकल प्रयोग किया गया उसकी बरामदगी के प्रयास जारी है।